हे गाइस, मैं हूँ श्रुति अपने YouTube चैनल श्रुति अर्जुन आनंद की ओर से, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसानी से होने वाले ब्राइडल मेकअप लुक, खासकर शादी के मौकों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका मेकअप पूरे दिन आपके चेहरे पर टिका रहे, इसके लिए सबसे पहले हम फेस प्राइमर यूज करेंगे और इसे अच्छी तरह अपने पूरे चेहरे की त्वचा पर ठीक वैसे ही लगाएंगे जैसे मॉइस्चराइजर लगाते हैं। अब फाउंडेशन के लिए मैं 2 पंप लैक्मे एब्सोल्यूट व्हाइट इंटेंस स्किन कवर फाउंडेशन लूंगी और हल्के गीले कॉस्मेटिक स्पंज से मैं इसे पूरे चेहरे पर लगाऊंगी। फाउंडेशन को प्रेस करने से ये आपको फुल कवरेज देता है और साथ ही ये आपके फाउंडेशन को फ्लॉलेस बनाता है। अपनी आंखों के पास के कालेपन को छुपाने के लिए और आई शैडो को पूरा दिन बनाए रखने के लिए आई प्राइमर की तरह मैं यूज करूंगी लैक्मे एब्सोल्यूट व्हाइट इंटेंस कंसीलर स्टिक। और अब हाईलाइट करने के लिए मैं यही कंसीलर अपनी नाक, क्यूपिड्स बो, चिन और माथे के बीच में लगाऊंगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिलाने के लिए कॉस्मेटिक स्पंज से कंसीलर को दबाऊंगी। अब इसी स्पंज से जहां आपने कंसीलर लगाया है वहां पाउडर लगाएं। अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो पूरे चेहरे पर पाउडर लगाएं। अब आप अपना फेवरेट ब्लश लीजिए। मैंने यहाँ पर लैक्मे कोरल ब्लश लिया है और सच में ये मेरा फेवरेट कलर है। ब्लश को लगाने के लिए अपने ब्रश को हल्के से अपने गालों पर डैब करें, फिर ब्रश से उसे अच्छी तरह से मिलाएं। पहले अपने ब्लश को लगाएं और फिर उसे अच्छी तरह मिलाने से ये आपके चेहरे को फ्लॉलेस लुक देगा। अब एक छोटे फेस ब्रश से मैं थोड़ा सा लैक्मे ब्रॉन्जर लूंगी और अब मैं उसे यहाँ पर लगाऊंगी अपने गालों को कॉन्टूर करने के लिए, और बचा हुआ पाउडर अपनी नाक के किनारों पर लगाऊंगी जिससे मेरी नाक को सही आकार मिलेगा और वो पतली दिखेगी। अब उसी कॉस्मेटिक स्पंज से मैं इस ब्रॉन्जर को बाहर की तरफ ब्लेंड करूंगी। अब आंखों का मेकअप करते हैं। पहले मैं अपनी आईब्राउज फिल करूंगी। अब मैं रॉयल पर्शिया पैलेट से पहले पिंक शेड लूंगी और एक मुलायम ब्लेंडिंग ब्रश से इसे अपनी पलकों के बाहरी कोनों से शुरू करते हुए अंदर की तरफ अच्छी तरह मिलाते हुए लगाऊंगी। अब फ्रेंच रोज पैलेट से मैं ये वाला सबसे गहरा आईशैडो लूंगी। पहले इसे अपनी आंख के बाहरी कोने में लगाएं और फिर इसे सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए अच्छी तरह मिलाएं। अब मैं आईशैडो को एक मुलायम ब्रश से ऊपर की तरफ घुमाते हुए मिलाऊंगी और पिंक आईशैडो लगाऊंगी। अब फ्रेंच रोज पैलेट से ये पिंक आईशैडो लें और उसे अपनी पलकों पर लगाएं। फिर इसी ब्रश की मदद से लिड आईशैडो और क्रीज आईशैडो को मिलाएं। अब अपनी आंख के नीचे की वाटर लाइन पे काजल पेंसिल लगाएं। अब मैं काजल पेंसिल के दूसरे सिरे से नीचे की लैश लाइन पर काजल स्मज करूंगी। ऊपर की लैश लाइन पर लिक्विड लाइनर से लाइन बनाएं। अपने आई मेकअप को हाईलाइट करने के लिए मैं लगाऊंगी ब्लू मस्कारा। अब थोड़ा सा हाईलाइटर लें और अपने गालों के इस ऊपरी हिस्से पर लगाएं, और अपनी नाक के इस हिस्से, अगले हिस्से, क्यूपिड्स बो और चिन पर भी लगाएं। पहले मैं जो मैट लिपस्टिक यूज कर रही हूँ वो है लैक्मे एब्सोल्यूट बर्गंडी अफेयर। अब अपनी लिपस्टिक को और पिंक दिखने के लिए मैं लगाऊंगी लैक्मे एब्सोल्यूट की आर्गन ऑयल से बनी लश रोज लिपस्टिक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे श्रुति स्पेशल थम्स अप देना मत भूलिएगा, एक बड़ा थम्स अप। और ऑल थिंग्स मेकअप, स्किन एंड हेयर के लिए सब्सक्राइब करें बी ब्यूटीफुल चैनल या लॉग ऑन करें beautiful.in पर। तो देखते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।